Now we have come to the part that I love the most. Bhai ek to usme hai ki making money, obviously I love making money. Everyone does and main chahta hu ki aap zyada se zyada paise banaye by learning WordPress and going online. Lekin jo dusra part isme hai wo hai about Upwork and Fiverr. And Upwork and Fiverr are both known as the world's top leading platforms when it comes to freelancing. To is पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में और फ्रीलांसिंग से आप कैसे पैसे बना सकते हैं, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क एंड फाइवर. सो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है. फ्रीलांसिंग आखिर क्या है? फ्रीलांसिंग इज़ अ न्यू वे ऑफ वर्किंग. पीपल ऑल्सो कॉल इट अ रिमोट वे ऑफ वर्किंग. एक ऐसा तरीका जिससे दुनिया घूम के आप अपने ही इंटरनेट पे कनेक्ट कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं. द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स थैंक्स टू द इंटरनेट. और आप एक्चुअली में दुनिया को घूम सकते हैं एंड दुनिया के साथ पैसे भी बना सकते हैं यूजिंग फ्रीलांसिंग. तो आपका क्वेश्चन होगा इधर कि हम कितने पैसे बना सकते हैं यूजिंग फ्रीलांसिंग. वेल, a very simple answer to that is you can make as much as $100, you can make as much as $100,000. aap pe depend karta hai, balki wo bhi ek limit nahi hai. jitne zyada paise aap banana chahe wo aap bana sakte hain. kyun freelancing ne pichle kuch saalon mein itna zyada trend paya hai? why is it growing? it's because the work is no longer a place. The world, as you can see, is changing. पूरी दुनिया बदल रही है और अब काम is not bound by location. आप कहीं से भी बैठ के किसी भी तरह का काम कर सकते हैं. In fact, there are freelancers out there जो already ये काम कर रहे हैं. और अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ranks on number 4 when it comes to freelancing worldwide. Question तो ये कि नंबर 4 क्यों रैंक करता है? व्हाई नॉट नंबर 1? यू एंड मी टुगेदर वी विल मेक इट नंबर 1. लेकिन आपको उसके लिए मेरा साथ देना पड़ेगा और आपको उसके लिए अपना साथ देना पड़ेगा. याद रखिएगा कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यू, दिस इज अबाउट पाकिस्तान. ये हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं मिलके और एक साथ हम मिलके सीखेंगे, एक साथ हम नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज को क्रिएट करेंगे एंड इसी तरह वी विल बी एबल टू मेक पाकिस्तान द नंबर 1 कंट्री इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी. साथ साथ बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग तो हमने समझ ली, हमने पढ़ भी ली, इस पर पूरा एक कोर्स भी है हिशाम का विच इज़ ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड ऑन फ्रीलांसिंग विच इज़ पार्ट ऑफ डीजी स्किल्स. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू सक्सीड एज अ फ्रीलांसर. पहले समझते हैं कि फ्रीलांसिंग जो आप करते हैं वो किस पे होती है, वो कैसे होती है. फ्रीलांसिंग हैपन्स ऑन अ मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस क्या है? ये वो जगह है जिधर लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, सर्विसेज का खरीदो फरोख्त. आप सर्विसेज बाय कर रहे हैं, आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं और फोकस बहुत ज़रूरी है. आपका फोकस, यू शुड नो कि आप कौन सी सर्विस कैसे सेल कर रहे हैं. आप जाके ये नहीं कह सकते कि मैं वर्डप्रेस भी कर सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइन भी कर सकता हूँ. योर क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर यू टू फोकस, दे वॉन्ट यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड बी यूनिक. एंड आपने देखना है कि आपके लिए कैसा क्लाइंट इज़ अ गुड मैच और आपने उनके लिए अपना प्रपोजल जो है वो टेलर करना है. साथ ही साथ यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल इन वॉट यू डू, यू कैंट शो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड. और उसके अलावा माय पर्सनल फेवरेट, डिलीवर क्वालिटी. इफ यू हैव द ऑप्शन टू डिलीवर फास्ट वर्सेस डिलीवरिंग क्वालिटी वर्क, ऑलवेज गो फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी वर्क.
never in your life should you compromise on quality, because aapki quality se aap judge honge, aapki quality se pura Pakistan judge hoga. You are not just a freelancer yourself, you are representing this country on the freelancing platforms. Aur aapko main iski example is tarah de sakta hu ki jab bhi aap kisi bhi freelancing website pe jaake apply karenge ya aapki services ka wahan pe mention hoga, to Pakistan ka jhanda hamesha saath nazar aayega, aapki country ka naam hamesha wahan pe nazar aayega. You should feel proud, and that's why you should always deliver quality. Saath hi saath thodi patience, thoda sabr rakhein, because patience will bear great fruits. Ek hi din mein aap lakhpati ya karodpati nahi ban jayenge. So take some time, and also look at what are the opportunities that are available to you in freelancing. Kuch categories hain, IT and programming hai aapke paas, aapke paas mobile apps hain, aapke paas design aur writing hai, you have sales and marketing, and you have admin and operations. Ek huge ecosystem hai jisme aapke paas opportunity hi opportunity. To aap mujhse pooch sakte hain ki what is the secret sauce to freelancing, aur iska jawab main usually taur pe to deta hota hu ye pooch ke ki kya aapko biryani pasand hai. Aap mujhe kahenge yes, everyone likes biryani. Biryani is a food that everyone in Pakistan loves. So biryani ki kya cheeze hain jo sabko kafi zyada pasand hai, uske masale. So isi tarah jo freelancing hai uski bhi ek secret sauce hai, uska bhi ek unique masala hai, aur wo secret sauce is comprised of four ingredients. Char ingredients hai usme jo ki main aapko batane ja raha hu. One, platform. Zaruri hai ki aap decide kare aur dekhein कि आपने अपवर्क पे काम करना है या फाइवर पे काम करना है, और हर प्लेटफॉर्म शायद आपके लिए सही ना रहे, बट दीज आर द टू प्लेटफॉर्म्स विच आर वेरी क्रूशल फॉर फ्रीलांसिंग. फिर आपने देखना है कि मार्केट कौन सी, वो कौन सी मार्केट है जिस पे मैं अपनी स्किल जाके सेल करूंगा. अगर वर्डप्रेस है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ कंपेटिटिव मार्केट बिकॉज वर्डप्रेस इज ईजी टू लर्न. अगर इससे कोई एडवांस चीज़ है तो हो सकता है यू आर बेटर ऑफ, बट यू हैव टू डिफाइन योर ओन मार्केट. साथ ही साथ प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को सही तरीके से बनाना, उसको अपडेट रखना अपनी स्किल्स अपने पोर्टफोलियो के साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ ही साथ आपका प्रपोजल, ये इज नॉट योर मैरिज प्रपोजल, दिस इज द प्रपोजल दैट यू विल बी गिविंग टू योर क्लाइंट्स सो दे कैन वर्क विद यू. सो ये चार इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए, इट्स वेरी क्रूशल to think about all of them ek ek karke to see what works for you and what doesn't. Aur har ek platform ki apni kuch needs hai, apni requirements hai. Upwork is very different to Fiverr, Fiverr is very different to Upwork. To aapne decide karna hai, aapne dekhna hai ki aapke liye kya cheez sahi rahegi, aur sath hi sath dekhte rahe ki kaun si skills upcoming hai, kaun si skills important hai, और इसके साथ साथ अपनी प्रोफाइल को और अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें. एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको पता है कि अगर अपवर्क पे इफ़ यू हैव अ स्माइलिंग डिस्प्ले पिक्चर तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब, फ्रीलांसिंग जॉब, इंक्रीज मेनी फोल्ड्स. हैं, ये कैसी क्रेजी बात है कि जी मैं अपनी एक स्माइलिंग डीपी लगा दूँ अपवर्क पे तो मुझे जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी. वेल, अपवर्क ये कहता है, अपवर्क ये खुद सजेस्ट करता है. क्यों? बिकॉज दैट शोज अ वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड. और ये आप सबको टिप है, सारे वो लोग जो सुन रहे हैं, कि अगर आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल बनाएं तो प्लीज़ उस पर एक अच्छी सी स्माइली डीपी ज़रूर लगाएं. एंड देन इट्स अबाउट द प्रपोजल. तो एक कोट है कि इफ़ यू सेल समथिंग यू मेक अ कस्टमर फॉर अ डे, if you help someone you make a customer for life, and your job is to make customers for life, jo hamesha aapke saath rahe, jo hamesha aap se baat karna chahe. To ye jo do platforms jinke bare mein maine aapko bataya hai, inko please jaake detail mein study kare. Upwork is a platform for those who believe
in long-term freelancing, जो कि एक ही skill पे काम करना चाह रहे हैं for the long term. मैं आपको suggest नहीं करूँगा इस stage पे अगर आपके पास skills सही नहीं है या advanced नहीं है कि आप Upwork पे profile बनाएं. I would recommend you कि आप Fiverr से start करें, Fiverr पे जाके अपनी gigs बनाएं, and once you reach a professional level, you go to Upwork. पूछें questions and connect करें हमारे साथ, so we can give you the right advice and we can tell you कि कैसे आप freelancing में enter होके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं.